हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि याओ ने शिन को देख तो लिया था, पर कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। जो लेटर शिन रख के गई थी वो भी अभी तक इसने संभाल के ही रखा हुआ था। बाद में शिन ने जुई को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दे के मना ही लिया होता है, एंड देन बकायदा उसे रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने भी ले जाती है। उसे अब ना तो आंट और ना ही इससे कोई शिकायत रही थी। आखिर को आज वो जो इस मुकाम तक पहुंची थी, सब आंट की वजह से ही तो हुआ था। शिन अब घर जाने लगती है। याओ तो अब लड़कियों से थोड़ा दूर ही भागने लगा था। अब ये पाल जो कि जून नोट कर लेता है, वो तो सोच में ही पड़ गया था कि इसे क्या हो गया है। शिन जिस कैट को देखा करती थी, उसके लिए किसी ने एक ब्यूटीफुल हाउस भी बना दिया होता है। कैट को चोट लगी थी, ये देख के वो परेशान हो जाती है। अब ऊपर से याओ की एंट्री होती है, वो तो अब उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं। शिन कैट के लिए इतना सब कुछ करने पर उसे थैंक्स कहती है। वो तो मजाक मजाक में उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को भी कह देता है। इनकी ऊंची आवाजें सुन के डॉक्टर तो डिस्टर्ब होकर ही रह गया था, इसलिए इन्हें खामोश रहने को कहता है। ये कहाँ बाज आने वाला था। इसकी बेतुकी बातों पर शिन तो फिर स्माइल ले करने लगती है। आखिर ये लड़का क्या चीज है। अब शिन नन्नी मियाऊ को अपने घर तो नहीं ले जा सकती थी, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल याओ के घर ठहराने का सोचती है। वो तो इसे सोता देख के स्माइल करने लगता है। उधर जैन का गुस्से के मारे बुरा हाल था कि याओ मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा। कैटी ने शिन की इंटरेस्ट पे पी कर दी थी, तो याओ से अपने घर चलने को कहता है कि वहाँ पे ना तो मेरे डैड है और ना ही आंट, सो तुम बिना झिझक आ जाओ। और पहनने के लिए उसे अपनी ड्रेस भी देता है, जो कि इसे काफ़ी लंबी थी, इसलिए वो तो फिसल के इसके ऊपर गिर जाती है। तब दोनों की ही हार्ट बीट्स तेज़ हो गई थी। वो अब उसका ट्राउज़र फोल्ड करने लगता है। शर्ट को तो वो फिर अब हाथ ही नहीं लगाने देती। अभी तो वो फिर अपना स्टफ लेके जाने ही लगी थी के बाहर उन्हें जैन की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। अभी के लिए वो जल्दी से शिन को ऊपर जाने को कह रहा है। खुद उसका इरादा जैन को दरवाजे से ही भेज देने का था, पर वो ठहरी चालाक। उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई ना कोई तो ज़रूर है, और फाइनली शिन पे उसकी नज़र पड़ी जाती है। अब तो वो दोनों पे ही भड़क गई थी कि ये क्या हरकत है। शिन को वो बुरा भला कहने लगी थी। ये उसे बताने लगता है कि जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी ड्रेस ख़राब हो गई थी तो मैं खुद ही उसे यहाँ ले आया था ताकि वो फिर मेरी ड्रेस पहन सके। इसके देखने तक वो तो फिर वहाँ से चली ही गई थी। घर आके वो तो फिर बाकायदा याओ का वही वाला टॉय भी फिक्स करने लगती है, जो कि गुस्से में जैन ने तोड़ दिया था। याओ परेशान के, शिन मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही, लगता है वो मुझे नाराज हो गई है। ये तो जैन के कहने के मुताबिक जून के क्लोज आ चुकी थी। इधर इसके थ्रू से पता चल जाता है कि आजकल उसका भाई शिन नामी लड़की के पीछे है। नेक्स्ट डे वो फिर ऑफिस में उससे पूछता है कि तुमने मेरी कॉल कल क्यों नहीं रिसीव की थी। वो उसे बताने लगती है कि मोबाइल तो मेरा ख़राब हो गया था तो मैं कैसे करती। अब उसे एक आइडिया आता है, उसने शिन को न्यू मोबाइल बाय करके देने का ही डिसाइड कर लिया था। यूस में सभी तकरीबन काम ख़त्म होते ही चले जाते हैं, बस इधर शिन और याओ ही रह गए थे। अचानक अभी से जून की कॉल आती है कि मैं तो अपनी कीज़ कहीं रख के भूल गया हूँ, सो तुम्हारे पास जो स्पेयर हैं वो क्या मैं आके ले सकता हूँ। अब उसके कहने के मुताबिक वो तो फिर ऑफिस ही आ गया था। इधर उसकी नज़र शिन पे भी पड़ चुकी होती है। अब ये ठहरा शैतानी दिमाग का मालिक, उसे तो इन्हें फंसाने का मौका मिल जाता है। वो डोर लॉक करने के साथ साथ याओ का मोबाइल ही ले गया था, और उसी के मोबाइल से वो जैन को मैसेज करके ऑफिस आने का कह देता है। वो भी खुशी खुशी जाने लगती है कि याओ ने बुलाया है। इन्हें तो इधर बैठे बैठे काफ़ी लेट हो चुकी थी। यहाँ पर एक दफ़ा तो वो सो ही जाता है। खैर जब उसकी आँख खुलती है तो तब वो देखता है कि शिन तो थक यहीं पर ही सो गई थी। अब उसके उठते ही वो जब वो वहाँ से जाने लगती है तो याओ उसे ड्रॉप करने का सोचता है। दोनों ही अब तो परेशान ही हो गए थे कि आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। वो अपनी असिस्टेंट को कॉल करके ऑफिस आने को कहता है। तब तक इन्हें यहीं पर ही वेट करना था। ये शिन को मोबाइल गिफ्ट करता है, पर वो आगे से नहीं लेती कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे अब काफ़ी बुरा लगता है एंड ज़बरदस्ती उसे ये रखने को ही कहने लगा था। तभी डोर के बाहर इन्हें जैन की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर बैठा जून तो खुशी हो रहा था कि अब आएगा मज़ा। ये अब उससे छुपने की कोशिश करने लगते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं। अब दोनों को ही चोरी छुपे भागते वो देख ही लेती है।
शिन को तो याओ ने बता ही दिया होता है कि मैं जेन को लाइक नहीं करता हूँ, पर डैड जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवाना चाहते हैं। वो तो इस लड़के से बहुत ही तंग आ चुका था। घर पे जेन ने कोहराम ही मचा दिया होता है। मॉम को भी इसने भड़का ही दिया था, तुम्हारी बेटी मेरे फियांसी के पीछे पड़ी हुई है। वो भी इसके कहने में आके शिन को थप्पड़ मार देती है। अब ऊपर से इतने में याओ भी यहाँ पर पहुंच ही आया था। अब उसी ने ही जेन को कूल डाउन करना था, और इसलिए उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मुझे शिन जैसी लड़की से लव होगा, ये तुम्हें गलत फहमी ही है। बड़ा मैं इस जैसी लड़की में क्यों इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। अब उससे मीठी मीठी बातें करके फाइनली इसका गुस्सा तो वो कम कर ही लेता है, एंड देन उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला भी गया था। शिन बहुत दुखी होती है कि ये क्या बात हुई, उसने सबके सामने मुझे लुक डाउन करने की कोशिश की है। वो तो याओ से और ही ज़्यादा हेट करने लगी थी। मॉम ने इसे अब याओ से दूर रहने को कह दिया था कि तुम में और उसमें बहुत फ़र्क है, और तुम दोनों तो एक कभी भी नहीं हो सकते हो। ऑफिस में वो तो अब याओ को इग्नोर ही करने लगती है। वो इस बात से सैड ही हो गया था। इसका दिया गिफ्ट भी अभी तक शिन ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उसने तो बाकायदा असिस्टेंट से कह के ये उसे वापिस ही करवा दिया था। अब उसे ही कुछ करके शिन को मनाना था। बाद में यू तो इन दोनों कजनों को खाने पे इनवाइट करता है। इस बात से यू तो बहुत खुश हुई थी। बाद में उसके साइड पे जाते ही इसने अपनी फीलिंग्स शिन से कन्फेस कर ली थी। तभी यू और याओ की नज़र इन पे पड़ जाती है। वो बाद में शिन को पकड़ के गुस्से में साइड पे ले जाता है। वो तो काफ़ी जेलिस हो गया था कि तुम मेरे अलावा और किसी से बात कैसे कर सकती हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, ये तो बहाना बना के साइड पे जाने लगती है। बाद में उसे और लड़की के साथ बैठा देख के ये भी गुस्सा ही करने लगती है कि याओ तो है ही ठरकी, इसकी बातों पर क्या विश्वास करना। जून की पॉकेट से यी ने फाइनली कैमरा चुरा ही लिया था, पर जेन सैड के इसमें तो कार्ड ही नहीं है। उसे तो हर हाल में अपनी फोटोज़ उससे डिलीट करवानी थी, सो उससे मिलने घर आ जाती है। उससे लव के जाल में फंसा के उससे फोटोज़ लेना चाहती थी, पर वो नहीं मानता। साथ में इसे भी कह देता है कि अब से मैं जब भी तुम्हें मिलने के लिए बुलवाऊँगा तभी तुम्हें आना पड़ेगा, इनकार करने का तो तुम सोचना भी मत। याओ ने यूई को मिलने के लिए बुलाया था, वो इसे अपनी डेट शिन से करवाने को कहता है। बदले में इसे बहुत सारे ब्रांडेड शूज दिलवाने की भी डील कर दी थी, वो भी अब मान ही जाती है। पहले तो इसके कहने के मुताबिक वो जाके मोबाइल शिन को गिफ्ट करती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खुद लिया है। इसके बाद खाना खिलाने का बहाना करके एक जगह पर ही ले जाके उसे बिठा के खुद तो वहाँ से चली गई थी। अब प्लान के अकॉर्डिंग याओ भी आ जाता है। अब खाना खाते हुए कोई चीज़ उसके गले में अटक गई थी। ये परेशान हो के निंजा टेक्निक का यूज़ करके उसे मुक्के मार के वो चीज़ बाहर ही निकाल देती है। अभी भी वो याओ से नाराज़ ही थी, इसलिए गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि आखिर इसने रात को मुझे ये सब क्यों कहा था कि मैं तो इसकी टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बहुत मनाने की कोशिश करता है, वो सब जस्ट मैंने जेन का गुस्सा कम करने के लिए ही कहा था, ताकि वो तुम्हारे लिए कोई ट्रबल क्रिएट ही ना करे। इसका पीछा करते करते वो तो घर के करीब ही आ गया होता है। उसने आज तक किसी भी लड़की के लिए ऐसा नहीं किया था, इसलिए वो शिन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके फिर उसे हग ही कर लेता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।